In this session, we will learn the concept of bivariate measures, which are used to measure the strength of relationship between two variables. We will use an example of height and weight data to illustrate these measures. So in this example, we have 10 individuals and we have recorded the height and weight of those 10 individuals. Now, we want to study if these two variables, that is weight and height, are related or not. And if they are related, what kind of relationship is there? So, just like most of the statistical analysis, in this particular problem, we will start the analysis with the help of the graphical presentation of the data. So, it is very important to have a visual of our observed data set. So, if we look at this graph, where we have the height variable along the x-axis and the weight variable along the y-axis. Ye jo points hain, these are actually the pairs of height and weight observation recorded for these individuals. Is scatter diagram mein, humme do teen observations note karni hoti hain. Pehli observation to ye hoti hai, ki kya ye points koi linear pattern bana rahe hain. Agar che is data set mein clear pattern maujood nahi hai, लेकिन जनरली हम देख सकते हैं कि इन पॉइंट्स की जो टेंडेंसी है वो कुछ इस तरह से है. जो कम हाइट वाले हैं उनका जनरली वेट कम है और जिनकी हाइट ज्यादा है उनका वेट भी ज्यादा है. ये एक तरह से इंडिकेट कर रहा है कि हाइट और वेट ये दोनों वेरिएबल्स जो हैं ये डायरेक्टली रिलेटेड हैं. तो इस चीज से हम समझ सकते हैं कि दोनों वेरिएबल, यानी अगर हम हाइट की बात करें, अगर हाइट वेरिएबल इंक्रीज करेगा तो वेट वेरिएबल जो है उसमें भी आपको इंक्रीज मिलेगी. तो इस तरह का एक रिलेशनशिप इंडिकेट करता है कि दोनों वेरिएबल्स में पॉजिटिव रिलेशन जो है वो मौजूद है. लेकिन इसके साथ साथ हमें ये देखना होगा कि इनके जो स्कैटर प्लॉट्स हैं इनमें से कुछ पॉइंट्स जो हैं वो इससे काफी डिस्पर्स्ड हैं, जो कि कोरिलेशन की स्ट्रेंथ को रिलेटिवली वीक कर देगा. अब अगर हम इस विजुअल से ये देख सकते हैं कि दोनों वेरिएबल पॉजिटिवली रिलेटेड हैं और उनके दरमियान कोरिलेशन की स्ट्रेंथ में भी बहुत स्ट्रांग नहीं है. अब हम इनसे कैलकुलेशंस करके देखते हैं कि जो न्यूमेरिकली कोरिलेशन की मेजर और कोवेरियंस की मेजर क्या रिजल्ट करती है. हाइट वेरिएबल को हम एक्स कह देते हैं, वेट वेरिएबल को वाई कह देते हैं. यहां से हमें तीन कैलकुलेशंस मजीद करनी होंगी. एक तो स्क्वायर डेविएशंस लेनी होगी from mean for the x variable, similarly square deviations from mean for the y variable, and then the cross product of the deviations of x and y from their mean. ये जो तीनों calculations हैं, इनके results से हम फिर covariance और correlations को calculate कर सकते हैं. If we look at the covariance result, sum of cross product of deviations is 400.3 and the total number of observation is 10. The result is 40.03, which is a positive number, जो कि indicate कर रहा है कि variables में positive relation मौजूद है. लेकिन इस result से को interpret करना इस angle से मुश्किल है कि हम ये नहीं बता सकते कि covariance की measure को देखते हुए कि variables के दरमियान जो relationship है वो कितना strong है. इस measure से क्योंकि covariance जो है ये unit dependent measure है, अगर हम वेरिएबल्स के यूनिट्स को चेंज कर देंगे तो कोवेरियंस का रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा. सेकेंडली, कोवेरियंस जैसे कि हमें पता है कि वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक रिजल्ट कर सकता है, उसकी कोई फाइनाइट बाउंड्स नहीं है, इसलिए उसके नंबर से हम उसकी कोरिलेशन की, जो दो वेरिएबल्स हैं उनकी रिलेशन की स्ट्रेंथ को क्लियरली इंटरप्रेट नहीं कर सकते. लेकिन कम अज कम हम ये जरूर बता सकते हैं कि ये दोनों वेरिएबल्स जो हैं ये पॉजिटिवली रिलेटेड हैं. लेकिन अगर इस डेटा सेट से कोरिलेशन कैलकुलेट की जाए, जो कि एक स्टैंडर्डाइज्ड मेजर है, अगर हम कोरिलेशन के रिजल्ट को देखें तो वो भी एक पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, 0.73, जो इंडिकेट कर रहा है कि एक्स और वाई, यानी हाइट और वेट वेरिएबल्स पॉजिटिवली रिलेटेड हैं. और दूसरे में ये पता है कि कोरिलेशन जो है इसकी जो मैक्सिमम अपर बाउंड है वो प्लस वन है. तो ये जो रिजल्ट है 0.73, इट इज समवेयर क्लोज टू वन. अगर इस सेंस में हम इसको देखें
तो हमें ये कि एक सफिशेंट लेवल की एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन जो है वो एक्स और वाई वेरिएबल्स में मौजूद है, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि हाइट और वेट वेरिएबल्स जो है ये एक्चुअली इंटरडिपेंडेंट हैं, और मे बी इनके इस रिलेशन को हम यूज कर सकें इफेक्टिवली इन वेरिएबल्स के लिए मॉडल बनाने का।